वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे में करते हैं, तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए वैभव और आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के हमारे इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों आप लोगों से थोड़ा सा शिकायत भी है इस वाले टेस्ट को स्टार्ट करूं उससे पहले ये शिकायत आप लोगों से जरूर करूंगा कि आप लोग टेस्ट को कंप्लीट नहीं देख रहे हैं ठीक है अगर आप लेखपाल की परीक्षा के लिए सीरियस हैं उन्नीस तारीख को आपका एग्जाम है उन्नीस जून को ज्ञान सर ने स्पेशली ये चैनल स्टार्ट कराया जहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट करवाया है और अभी तक जो सेवन टेस्ट आए हैं उसमें रिटेंशन टाइम जो है वो बहुत कम है आप लोगों का अगर टेस्ट में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए बट एटलीस्ट पूरा टेस्ट देखिए और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिए ठीक है सो अब जो है स्टार्ट करते हैं अपने इस टेस्ट को सबसे पहला इसके अंदर जो सेक्शन है वो है हिंदी का ठीक है तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है एक तरफा ये जो शब्द है इसमें कौन सा समास है अच्छा इस वाले क्वेश्चन का आंसर करें इससे पहले एक चीज और सुनिए कि जब भी आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं उस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए और अगर टॉपिक समास का है तो एक बार ये चारों ऑप्शन अपने दिमाग में इसको घुमाइए और सोचिए इसके बारे में कि तत्पुरुष समाज क्या होता है दिगु क्या होता है द्वंद्व क्या होता है कर्मधार क्या होता है अगर आप नहीं इसको समझ पा रहे हैं तब आप तुरंत जो हमारा मेन चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वहां पर जाइए पूरा हिंदी का जो प्लेलिस्ट दिया हुआ है ग्रामर का उसमें से आप समास वाले सेक्शन को ज़रूर कवर अप करें अभी क्योंकि तो सिर्फ क्वेश्चन ब्लाइंडली सॉल्व करना इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा ठीक है सो इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या है आपका दिगु समास ठीक है यानी कि सेकेंड जो होगा वो इसका आंसर होगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है अब ये आजन्म है या जीवन है व्यर्थ है या फिर सेनापति तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर सेनापति सेनापति जो है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है अच्छा कमेंट सेक्शन में बताइएगा अव्ययी भाव समास समासजैक्टली exactly होता क्या है क्या इसकी डेफिनेशन है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें किनरेश इसमें आपको बताना है कि कौन सा है इसका पर्यावाची शब्द कुबेर है किरण है गणेश है या फिर गधा है तो यहां पर जो इसका सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका कुबेर ठीक है किनरेश का जो पर्यावाची शब्द है वो क्या है कुबेर है इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें आकलन ये जो शब्द है इसका आपको बताना है विलोम शब्द प्राकलन है संकलन है विकलन है या फिर अनाकलन है तो आंसर क्या होगा आपका प्राकलन यानी कि फर्स्ट वन जो होगा वो सही आंसर होगा इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें यहाँ पर दिया हुआ है हल्दी ये जो शब्द है इसका आपको बताना है कि तत्सम रूप क्या होगा हरिद्रा होगा हरदा होगा हरिद्रा होगा या फिर हरिद्रा होगा तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा इसका थर्ड वन यानी कि हरिद्रा इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी ये मात्रा जरूर याद रखिएगा छोटी ई की लगेगी बड़ी ई की लगेगी अगर पेपर आपका टफ आया उन्नीस जून को तो आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे मतलब आपको उसके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ठीक है लक्ष्मी की बात करें तो लक्ष्मी का यहाँ पर आपको बताना है कि पर्याय क्या है देव पका है सुरसारी है सिंधुजा है या फिर जहानवी है तो यहां पर आपको बताना है इसका सही आंसर सो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका सिंधुजा यानी कि थर्ड वन जो है वो यहाँ पर सही होगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है उल्लास ये जो शब्द है इसका आपको बताना है संधि विच्छेद कौन सा सही है उल प्लस आस उल प्लस आस या फिर उत् प्लस आस या फिर उत् प्लस लास तो सही आंसर क्या आएगा आपका फोर्थ वन यानी कि उत् प्लस लास ये इसका सही आंसर होगा ठीक है इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें बहुत तेज चलने वाला इसके लिए जो एक शब्द है ये क्या होगा पश्चगामी होगा दूर्तगामी होगा शीघ्रगामी होगा या फिर अनुगामी होगा अच्छा कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताना कि क्या आपको मतलब जो आंसर है उसके अलावा जो तीन और विकल्प यहां पर दिए हुए हैं उनके बारे में आप क्या समझते हैं वो किसको डिनोट कर रहे हैं किस सेंटेंस को डिनोट कर रहे हैं तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका दूरदगामी यानी कि सेकेंड वन जो होगा वो यहां पर सही होगा इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कष्ट सहकर होने वाला कार्य इसमें जो है सही शब्द इसके लिए क्या होगा दुष्कर होगा मंथर होगा परिश्रमी होगा या फिर दुर्गम तो सही आंसर क्या होगा यहां पर दुष्कर अच्छा मंथर का क्या मतलब होता है ये कमेंट सेक्शन में मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएं मंथर का क्या आंसर होगा इसके बाद अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन यहां पर है कि नाक का बाल होना ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है अधिक प्यारा होना गंदा होना भूल जाना या फिर कोई नहीं तो सही आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट वन यानी कि अधिक प्यारा होना एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए और सही आंसर जो है वो देखिए कि आप लगा पा रहे हैं कि नहीं अगला है छी कहां गिरा खिचड़ी में मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या होगा स्वाद आ जाना खूब मिलजुल जाना अमीर की अमीर को और पैसा मिल जाना या फिर बहुत तारीफ करना मतलब ये जो मुहावरा आप देख रहे हैं छी कहाँ गिरा खिचड़ी में ठीक है तो इसका अर्थ क्या होता है खूब मिलजुल जाना यानी कि सेकेंड वन जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें सब धान बाईस पसेरा ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है धान का दाम एकदम बढ़ जाना सारा माल खराब हो जाना योग अयोग दोनों के साथ एक सा बर्ताव करना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं तो सही आंसर क्या होगा आपका थर्ड वन यानी कि योग्य और अयोग्य दोनों के साथ एक सा बर्ताव करना ठीक है ये इसका सही आंसर है इसके बाद अगला पर क्वेश्चन है कि वीर जो है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा वीरांगना होगा वीरंगना होगा वीरांगना होगा या फिर वीरांगनी होगा तो क्या होगा आपका वीरांगना यानी कि फर्स्ट वन जो होगा वो यहां पर सही आंसर होगा इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें यहां पर बात करी गई है कुर्सी पर नेताजी बैठे हैं इस वाक्य में कुर्सी जो है ये शब्द किस कारक में है करण में है अधिकरण में है संप्रदान में है या फिर अपद सो so, यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो वाक्य आप देख रहे हैं इसमें कुर्सी जो शब्द है इसका कारक क्या है तो सही आंसर यहां पर क्या आएगा आपका ठीक है ना करण होगा ना संप्रदान ना अपादान अच्छा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कारक कितने होते हैं इनके विभक्ति चिन्ह क्या क्या होते हैं ठीक है ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों से एक्सपेक्टेड है इसके बाद चाकू ये जो शब्द है इसका आपको बहुवचन बताना है चाकुओं होता है चाकुए होता है चाकुओं होता है या फिर चाकू होता है तो सही आंसर क्या आएगा आपका फोर्थ वन यानी कि चाकू एक एक क्वेश्चन स्पेशली आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से बनाया गया है और मुझे लगता है कि कम से कम इसमें आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट देंगे इस टेस्ट को और कंप्लीट देखेंगे ठीक है चाहे आप टू एक्स पर लगा कर भी देख सकते हैं उसमें कोई इश्यू नहीं है बट सारे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिए हर एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिए ज्ञान सर ने बहुत मेहनत से ये टेस्ट बनवाए हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ठीक है ताकि आप लोगों का 19 जून का जो पेपर है उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए अगला है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है गांधी क्यारी गृहस्थ या फिर एक के तो यहां पर सही आंसर क्या होगा आपका एक के ठीक है इसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें यहां पर बात हो रही है निम्न में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है अब ये चिन्ह है उद्देश्य है उन्नति है फिर अशोर्णी है तो सही आंसर क्या होगा आपका अशौहिणी क्योंकि यहां पर कैसी होनी चाहिए आपकी डबल मात्रा होनी चाहिए ठीक है जो यहां पर आप देख रहे हैं अशौहिणी ये जो डबल मात्रा यहां पर होनी चाहिए जबकि उसमें दिया क्या था सिंगल मात्रा दी थी इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें अगला क्वेश्चन यहां पर है देखा गया हो वाक्य में कौन सा काल है संभाव्य वर्तमान है पूर्ण भूतकाल है संभाव्य भूतकाल है या फिर संभाव्य भविश्य, भविष्य भविष्यत है ठीक है तो आंसर क्या आएगा आपका संभाव्य भूतकाल इसके बाद आगे चलें अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है मैंने एक वर्ष तक उसकी उनकी प्रतीक्षा की मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी किसी भी आदमी को भेज दो ठीक है तो यहाँ पर आपको बताना है कि सत्य कौन सा नहीं है तो ये जो फोर्थ वन है ये यह यहाँ पर सत्य नहीं है क्योंकि इसमें होना कैसा चाहिए था आपका कि किसी आदमी को भेज दो किसी भी आदमी को भेज दो ये गलत है भी यहाँ पर नहीं आएगा अननेसेसरी है इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि पुरलिंग शब्द कौन सा है स्थापना है केली है गिरी है या फिर मृत्यु ठीक है तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा है जो कि पुरलिंग है बाकी तीन जो है स्ट्रिलिंग है एक है पुरलिंग सो so, इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका गिरी गिरी जो ये शब्द है ये किसके लिए यूज होता है पुरलिंग के लिए ठीक है इसके बाद आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है दूध इसका जो पर्याय है ये क्या होगा पे होगा अमृत होगा सुधा होगा या फिर रस तो सही आंसर क्या आएगा आपका अमृत यानी कि सेकेंड वन जो होगा वो यहां पर सही होगा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है अब ये ओझा है औंधा है ईंधन है या फिर कृष्ण तो सही आंसर यहां पर क्या होगा आपका कृष्ण क्योंकि कृष्ण का अगर आप तद्भव देखेंगे तो वो क्या होगा आपका कन्हैया ठीक है या फिर कान्हा उपाध्याय ये तत्सम है जबकि इसका जो तद्भव है वो क्या होगा ओझा अब अवमूर्ध ये आपका है तत्सम इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा औंधा ऐसे ही ईंधन जिसमें यहाँ पर ये बिंदी लगी हुई है मतलब ये जो मात्रा लगती है बिंदी ठीक है तब ये होता है आपका तत्सम जब बिंदी नहीं होगी तब ये क्या होगा आपका तद्भव इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें यहां पर बात करी गई है कि जिसने प्रतीक्ष प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उस उसके लिए जो एक शब्द यूज होना है वो कौन सा है सदाचारी महत्वाकांक्षी प्रतिष्ठित या फिर प्रतिवाय आंसर क्या होगा आपका थर्ड वन यानी कि प्रतिष्ठित इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें यहां पर बात करी गई है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको प्रेमचंद्र है प्रेमचंद्र है प्रेम अब आप इसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा तो ऑप्शन फोर्थ जो है जिसमें नीचे ये रा नहीं लगा हुआ है ये यहाँ पर सही होगा प्रेमचंद ठीक है अगला क्वेश्चन उपादे इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा उपदे होगा अनुपदे हो गया उत्पादे हो गया या फिर पादे हो गया तो अनुपादे ये इसका यहाँ पर सही आंसर होगा यानी कि सेकंड वन जो होगा वो सही होगा तो इस तरीके से ये आपका हिंदी का पूरा अभी तक हमारे 25 क्वेश्चंस थे तो आगे हम मूव ऑन करें उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए ये है कि ज्ञान सर ने यह फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट करा हुआ है यह आपका यूपीपीसीएस के लिए और लेखपाल दोनों के लिए है ठीक है यह टेलीग्राम ग्रुप का जो आपको लिंक दिख रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा यहां से जाकर आप लेखपाल की क्विज लगा सकते हैं टेलीग्राम पर इसी तरीके से यूपीपीसी प्री दो के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो इस वाले टेलीग्राम चैनल पर जाइए तुरंत इसको ज्वाइन करिए एक रुपया यहां पर आपसे नहीं लिया जा रहा है इट इज़ टोटली फ्री फॉर यू और अगर आप थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं उन्नीस जून के लिए यानी कि जो आपकी परीक्षा है उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए फाइनली अपना नाम और सिलेक्शन लेने के लिए फाइनली लेखपाल में अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप इन नंबर्स पर तुरंत कॉल करें कि आंसर को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पर और यहाँ पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं ग्लेकपाल का पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं आपको हर एक वो चीज़ मिलेगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है और अब जो आप एग्जाम देंगे उन्नीस तारीख का उसमें सफलता में सबसे बड़ा श्रेय हो सकता है इस मटेरियल का जो आपके लिए ज्ञान सर ने स्पेशली डिजाइंड करवाया है एक एक टॉपिक डेप्थ से लेके और अपर लेवल तक सब कुछ कवर करा हुआ है कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा उसमें बाइलिंग्वल रहेगा तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है कुछ इन्वेस्टमेंट तो देखिए हर जगह आपको करना होता है अभी कुछ साथियों ने मेरे से कमेंट सेक्शन में ये बोला था कि आप प्रमोशन कर रहे हैं देखिए भाई प्रमोशन तो करा जाएगा क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये सब कुछ कोर्स बनाया गया है अगर ये प्रमोशन नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ज्ञान सर आपके लिए एग्जैक्टली exactly कर क्या रहे हैं बहुत मेहनत लगती है बहुत रिसर्च होती है तब जाकर ये स्टडी मटेरियल तैयार होता है ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि बस ऐसे ही कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया एक एक एक्ट पढ़ के ठीक है जो आपको पंचायती राज है वहाँ से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करे गए तो इसको आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते और किसी भी यूट्यूब चैनल पर पूरे यूट्यूब पर मैं बता रहा हूँ अगर जो भी लेखपाल के कोर्सेज बेच रहे हैं उनके टेस्ट सीरीज़ उठा के देख लीजिएगा और ये जो टेस्ट यहाँ पर मैं आपको कंडक्ट करा रहा हूँ या फिर जो हमारा मेन चैनल है वहाँ पर जो टेस्ट चल रहे हैं उससे आप कंपेरिजन कर लीजिएगा आपको समझ में आएगा कि लेवल कितना अलग है अगर पेपर ईजी आता है तब तो कुछ नहीं कह सकते हर किसी का मेटीरियल बेस्ट है लेकिन अगर पेपर टफ आया तब आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल ही हेल्प कर सकता है और कोई मटेरियल हेल्प नहीं करेगा कंपटीशन बहुत टफ है मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल करूंगा कि आप इन नंबर्स पर कॉल करें और ये जो पेड कोर्स है इसको तुरंत परचेस करें बाकी आपका अपना मन है फ्री ये टेस्ट तो आप देख ही सकते हैं यहां पर इसमें कोई इश्यू नहीं है इसके बाद अगला जो हमारा सेक्शन आता है ये है जीके का तो यहां पर पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसि प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट इसमें कौन शीर्ष पर रहा केरला तमिलनाडु तेलंगाना या फिर उत्तर प्रदेश ठीक है तो ऑब्वियसली बात है कि जब आप बात कर रहे हैं हेल्दी स्टेट की तो आपको ये उत्तर प्रदेश का नाम तो तुरंत हटा दीजिए कोई मतलब ही नहीं बनता यहां पर एक ऑप्शन तो आपका खत्म ही हो जाएगा अब यहाँ पर तेलंगाना तमिलनाडु और केरला तीन सदरन स्टेट है तो ऑब्वियसली बात है भैया केरला से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता सबसे अच्छी फैसिलिटीज तो यहीं पर है तो आंसर क्या आएगा आपका पहला वाला यानी कि केरला इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें यहां पर दिया हुआ है कि हाल ही में ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 ठीक है ये किसने जीता यानी कि हु हैज रिसेंटली वॉन द ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 अनुकृति उपाध्याय विरल देसाई डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान या फिर किरण देसाई आंसर यहां पर क्या आएगा आपका विरल देसाई इन्होंने जीता है ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ज़रूर एक एक क्वेश्चन याद रखिए अगला है यहाँ पर हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नाम की जो पुस्तक है ये किसने लिखी यानी कि रिसेंटली हु हैज रिटेन अ न्यू बुक टाइटल्ड द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी टू ये शांतनु गुप्ता है संजीव वर्मा है डॉक्टर इम्तियाज़ सुलेमान है या फिर सलमान रशदी आंसर सेकंड वन यानी कि संजू वर्मा इन्होंने लिखी है द मोदी गैंबिट डिकोडिंग मोदी 2.0 ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हाल ही में आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ ये किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिदेशक बनी है ठीक है यानी कि वायलेट बरुआ हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ व्हिच स्टेट उड़ीसा असम महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़ आंसर क्या आएगा आपका असम इनके नाम से भी पता चल रहा होगा ये कौन से स्टेट की हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीएथ की अब बात करते हैं यहाँ पर बात करी गई है कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ यानी कि विच स्टेट हैज हैजॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज गुड गवर्नेंस इंडेक्स फॉर द ईयर 2021 अब ये राजस्थान है तेलंगाना है आंध्र प्रदेश है या फिर गुजरात तो सही आंसर क्या होगा आपका गुजरात ठीक है ये यहाँ पर सही आंसर आएगा इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि इनके लिए क्रमशः कितनी ऋचाएं जो हैं वो मिलती हैं यानी कि हाउ मेनी हायंस आर फाउंड इन ऋग्वेदा फॉर इंद्र एंड अग्नि रिस्पेक्टिवली अब ये 200 है 150 है 150 है 200 है 250 है 200 है या फिर ये 200 और 250 है तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 250 और 200 यानी कि 250 एंड यहां पर इसका सही आंसर आएगा कि इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 हंड्रेड ये यहां पर सही होगा अगला क्वेश्चन यहां पर बात करी गई है कि निम्न में से किस वेद में शिव को भव शर्व पाशु पशुपति और भूपति ये कहा गया है यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग शिवा हैज बीन कॉल्ड भव शर्व पशुपति एंड भूपति तो ये ऋग्वेद है सामवेद है यजुर्वेद है या फिर अथर्ववेद आंसर क्या आएगा आपका अथर्ववेद इसमें यह चीज बोली गई है भगवान शिव के लिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें अमीर खुसरो ठीक है इनका नाम आपने बहुत सुना होगा इनसे रिलेटेड यहां पर स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको बताना है कौन सा सही नहीं है पहला है कि इनका मूल नाम मोहम्मद हुसनैन था दूसरा इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदाइयों के पास पटियाली में हुआ था तीसरा है वह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और चौथा है कि इन्हें हिंद यानी कि भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है फोर्थ वन की अगर हम बात करें आई होप कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसको ये चीज ना पता हो कि भारत का तोता किसे बोला जाता था इसके बाद थर्ड वन स्टेटमेंट की बात करें तो भाई थर्ड वन के बारे में भी आई होप कि आप लोगों को काफी कुछ आइडिया होगा कि ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे कुछ लोग हो सकते हैं उनको ना पता हो इसके बाद बात करें हम उत्तर प्रदेश के बदाइयों के पटियाली में इनके बर्थ की तो ये आपने यूपी स्पेसिफिक अगर आपने जी के पढ़ी है तो आपको ये ऑब्वियस सी बात है पता होना चाहिए अब यहाँ पर बात आती है पहला स्टेटमेंट जो इनका नाम है मोहम्मद हुसनैन ये यहाँ पर इनकरेक्ट है और हमारा आंसर क्या होगा फिर? फिर पहला वाला क्योंकि यहाँ पर हमें जो सत्य नहीं है उसको चूज करना था यानी कि जो इनकरेक्ट वन है ठीक है तो इनका जो सही नाम था वो मोहम्मद हसन था ना कि हुसनैन याद रखिएगा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा क्वेश्चन इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और जो संस्थापक हैं उनके युग में यहाँ पर दिए गए हैं आपको बताना है कि कौन सा युग में है जो कि गलत है एक तरफ राज्य है दूसरी तरफ संस्थापक अवध की बात करें सादत खां आई होप आपको पता होगा सही है। है। हैदराबाद निजामुल मुल्क हर किसी को यह चीज पता होनी चाहिए बंगाल की बात करें सादुतुल्ला खां ठीक है ये यहां पर इनकरेक्ट है अब ये ही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर यही चूज़ करना था कि कौन सा युग्म है जो कि गलत है बाकी रुहेलखंड की बात करें तो वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां ये यहाँ पर करेक्ट है ठीक है तो साधुतुल्लाह खां की बात करें तो ये जो है संस्थापक रहे हैं कर्नाटक के ना कि बंगाल के तो ये चीज़ भी यहाँ पर याद रखना इनके बारे में कि ये कर्नाटक के संस्थापक हैं साधुतुल्ला खां इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से किस वर्ष शारदा एक्ट पारित किया गया है अच्छा शारदा एक्ट में क्या था किस चीज से रिलेटेड था शारदा एक्ट कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा ठीक है अब ये उन्नीस है उन्नीस है इकतीस है या फिर बत्तीस आंसर क्या आएगा आपका नाइनटीन ये यहां पर सही आंसर होगा इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो निम्न में से किसने की पंडित नेहरू सरदार पटेल सरोजनी नायडू या फिर चित्ररंजन दास तो सही आंसर क्या है क्या यहाँ पर सरदार पटेल अच्छा पंडित नेहरू ने कौन कौन से कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की और कहाँ पर वो हुए ये कमेंट सेक्शन में बताना बाकी सरोजनी नायडू और चितरंजन दास इनका भी जो ईयर था जिस ईयर में इन्होंने कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की और कौन से कौन जगह क्या थी प्लेस क्या था जहां पर कांग्रेस अधिवेशन हुआ चीज़ आप पंडित नेहरू सरोजनी नायडू और चित्रंजन दास के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर बात हो रही है न्यायाधीश जी सी हिल्टन इन्होंने निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा सुनाई खुदीराम बोस थे भगत सिंह थे राम प्रसाद बिस्मिल थे या फिर यह कोई नहीं ठीक है आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा भगत सिंह ठीक है जब भगत सिंह को फांसी सुनाई गई थी तो किसने सुनाई थी वो जज का नाम क्या था जी सी हिल्टन ये उस जज का नाम था जिस जिनों, जिन्होंने जो है सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी नेक्स्ट क्वेश्चन यूरोप का भारत निम्न में से किसे कहा जाता है फ्रांस इटली यूक्रेन या फिर जर्मनी सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा इटली यानी कि सेकेंड वन विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ग्रेट बैरियर रीफ भी बात है आपको पता होना चाहिए भैया ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है कोई दूसरी कंट्री हो ही नहीं सकती ठीक है इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है अगर आपने इंडिया का मैप केयरफुली देखा है देन यू विल गेट द आंसर फॉर श्योर ठीक है तो ये मेघालय है मिजोरम है मणिपुर है या फिर त्रिपुरा है तो आंसर क्या आएगा आपका मणिपुर यानी कि थर्ड वन विल बी द करेक्ट आंसर इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर बात हो रही है प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनंसुलर इंडिया की बात कर रहे हैं तो इसकी सबसे लंबी नदी है कौन सी कृष्णा है नर्मदा है गोदावरी या फिर कावेरी आंसर क्या आएगा क्या आएगा आंसर गोदावरी ठीक है लेंथ जो है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना ठीक है गोदावरी की इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक रवि की फसल नहीं है यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ क्रॉप ऑफ रवि ठीक है या फिर रवि क्रॉप गेहूं सरसों धान मटर ठीक है तो यहां पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा धान जो है वो यहां पर इसका सही आंसर होगा यानी कि थर्ड वन विल बी द करेक्ट आंसर अच्छा बाकी जो है गेहूं है सरसों है या फिर मटर है तो इसका आप बताइएगा कौन सी ये क्रॉप है रवि की नहीं है तो कौन सी क्रॉप है ठीक है इसके बाद तुलबुल परियोजना की बात करें कि तिलबुल प्रोजेक्ट जो है इस सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर झेलम चिनाव या फिर आ, आपका व्यास या फिर ये सतलज तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा जब ट्रांसलेशन हुआ है तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है यहाँ पर दिस शुड नॉट बी लाइक दिस इट शुड बी व्यास ठीक है क्या होना चाहिए यहाँ पर व्यास होना चाहिए था वी वाई ए एस ठीक है ये थोड़ा डायमीटर्स को एग्जैक्टली exactly यहाँ पर उसने ट्रांसलेट कर दिया गूगल ने ठीक है वेल लीव इट इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें अस्पर्शता उन्मूलन यानी कि अनटचेबिलिटी ये किस चीज से रिलेटेड है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है आर्टिकल 14 25, 27 या फिर 17 आर्टिकल सत्रह यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मैं जानना चाहूँगा आप लोगों के द्वारा कि ये आर्टिकल चौदह पच्चीस और सत्ताईस ये किस चीज़ से रिलेटेड हैं इनके अंदर क्या दिया हुआ है अच्छा कमेंट सेक्शन में एक चीज़ और बताना आप लोग आज की डेट में देखिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो एक अलग बात है ठीक है बट ये जो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं आपको क्या कुछ लगता है क्या वाकई आज के हिंदुस्तान में ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बातें दी गई थी अनटचेबिलिटी की बात कर लें या फिर हम इक्वलिटी ऑफ लॉ की बात कर लें ये आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा इसके बारे में पता तो चले आप लोग कितना कुछ समझते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए ये वो चीज़ है ना पॉलिटी और हिस्ट्री और जोग्राफी ये हमारे सराउंडिंग है ठीक है और ये तो आपको एटलीस्ट एकदम क्रिस्टन क्लियर होनी चाहिए बिकॉज आप समझ रहे ना आपके जो डेली लाइफ है उससे एसोसिएटेड है ये इसको तो ज़रूर आप समझिए इसके बाद अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के बारे में कि इसके ठीक है ये तो आपको बताना है तीस वर्ष है पैंतालीस है साठ है फिर निर्धारित ही नहीं है तो यहां पर देखिए इसका आंसर क्या आएगा नॉट डिटरमाइंड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया हुआ है मिनिमम एज क्राइटेरिया किसका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है दैट इज़ नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ठीक है तो निर्धारित नहीं है यहाँ पर सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन एक जूल में कितने अर्घ होते हैं टेन की पावर फाइव सिक्स सेवन या फिर ट्वेल्व हमेशा याद रखना दस की घात सात जो है वो होता है आपका एक जूल में अर्घ ठीक है यानी कि एक जूल में दस की घात सात अर्घ होते हैं इसके बाद अगला बहुत नाम सुना होगा अपने आर का यहाँ आर मिला वहाँ आर मिला पुलिस ने पकड़ लिया एन एन और ये सब कुछ पता नहीं क्या क्या एन वगैरह ठीक है तो आर का क्या फुल फॉर्म जानते हैं आप रिसोर्स डिस्ट्रॉय सिस्टम बोलते हैं रीयूज डिस्ट्रॉय सिस्टम बोलते हैं रिसर्च एंड डिवेलप्ड एक्सप्लोसिव बोलते हैं या फिर रिसर्च एंड डिवेलप्ड एक्सप्लोजन बोलते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका आर का रिसर्च एंड डिवेलप्ड एक्सप्लोसिव ठीक है थर्ड वन जो होगा वो सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन बैक्टीरियोफेज या फिर जीवाणु भोजी इसके संबंध में स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है पहला ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं ये जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं इनमें डीएनए पाया जाता है या फिर उपर्युक्त तो सभी आंसर क्या होगा आपका उपर्युक्त तो सभी यानी कि फोर्थ वन विल बी द करेक्ट आंसर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात होती है आपके विटामिन के बारे में कि कौन सा विटामिन है जिसका नाम जो है रासायनिक नाम फ्लोक्यून है ठीक है तो फाइलोक्वन कौन से विटामिन का नाम है विटामिन ए है के है सी है या फिर डी आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा विटामिन के जो है इसका नाम होता है ये ठीक है इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर बात हो रही है निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा नहीं है ठीक है यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज अब ये फॉल्ट्रेन है कोबोल है बेसिक है या फिर असेंबली लैंग्वेज है कौन सी है जो कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है सो so यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा असेंबली लैंग्वेज चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि मैथ का सेक्शन है तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है ठीक है इसमें जो रेशो दिया हुआ है वो कितना है एट का आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट ठीक है प्रॉफिट परसेंट आपको यहाँ पर बताना है तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या है सबसे पहले तो आप प्रॉफिट निकालिए प्रॉफिट कैसे पता चलेगा कॉस्ट प्राइस एट दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया है नौ no. तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इसको एज इट इज़ ले सकते हैं हम ठीक है इसको नाइन मान लीजिए इसको एट मान लीजिए तो ये आ जाएगा आप कितना आपका एक्स ठीक है ये हो गया प्रॉफिट जब प्रॉफिट आपको पता चल गया तब आपको सिंपली क्या करना है परसेंट प्रॉफिट निकालना है या फिर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो देट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू हंड्रेड तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है कि प्रॉफिट कितना है एक्स है और कॉस्ट प्राइस कितना है एट एक्स है इंटू कितना हो जाएगा हंड्रेड हो जाएगा इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये साढ़े बारह परसेंट यानी कि थर्ड वन जो होगा वो इसका सही आंसर होगा सो so, इस क्वेश्चन की बात करते हैं इस क्वेश्चन में आपको बस यहाँ पर थोड़ा सा सही करना है ये नाइन की पावर एन है ठीक है यहाँ पर भी ये नाइन की पावर एन है अब इसको आप सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम ऊपर वाले फंक्शन की बात करते हैं ये जो फंक्शन है यहाँ पर 243 दिया हुआ है तो 243 को अगर आप ब्रेकअप करेंगे तीन में तो ये पांच बार तीन की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वैल्यू आएगी कितनी आपकी टू की टू फोर्टी थ्री दैट मीन्स ये किसके बराबर हो जाएगा थ्री की पावर फाइव अब जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है थ्री की पावर फाइव इसकी पावर कितनी है एन अपॉन फाइव तो ये कैसे लिख सकते हैं हम थ्री की पावर एन क्रॉस एन बाई फाइव तो फाइव से फाइव कैंसिल दैट मीन्स ये सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा थ्री की पावर एन दूसरा जो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है ये है आपका थ्री की पावर टू एन प्लस वन तो ये दोनों अब हो जाएंगे मल्टीप्लाई तो थ्री की पावर एन इंटू थ्री की पावर टू एन प्लस वन तो ये सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा आपका थ्री की पावर अब यहां पर जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो पावर्स एड हो जाएंगी तो थ्री एन प्लस वन ये आ जाएगी वैल्यू ठीक है थ्री की पावर थ्री एन प्लस वन ये ऊपर वाले की वैल्यू आ गई हमारी कितनी थ्री की पावर थ्री एन प्लस वन और नीचे अगर हम देखें तो यहां पर ये कितना मैंने बताया आपको नाइन की पावर में दिया हुआ है ठीक है तो यहां पर थ्री का स्क्वायर की पावर एन इंटू थ्री की पावर एन माइनस वन तो ये नीचे वाला फंक्शन अगर खाली हम देखें तो थ्री की पावर टू एन प्लस एन माइनस वन देट मीन्स थ्री की पावर थ्री एन माइनस वन और ऊपर कितना है थ्री की पावर एन प्लस वन अब इसको हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है सिंपली ठीक है तो थ्री की पावर थ्री एन प्लस वन था तो मल्टीप्लाई थ्री नीचे कितना है थ्री की पावर थ्री एन और माइनस वन था देट मीन्स वन अपॉन थ्री ठीक है तो ये दोनों कैंसिल हो गए ये थ्री ऊपर पहुँच जाएगा तो कितना हो जाएगा नाइन तो आंसर क्या आएगा इसका नौ no. ठीक है आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है पॉइंट फाइव की वैल्यू दे रखी है पॉइंट तो इसका जो वैल्यू है वो आपको बताना है अंडर रूट ज़ीरो पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई थ्री की पावर वाई की पावर एक्स तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर सिंपली थ्री इंटू वाई कितना दे रखा है जीरो पॉइंट टू और इसकी पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको x 0.5 0.5 का मतलब क्या हो गया ये मतलब हो गया 5 अपॉइंट टेन दैट मीन्स 1 अपॉइंट टू दैट मीन्स अंडर रूट ठीक है तो ये आ गया आपका 3 इन अब ये पॉइंट टू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 3 से तो कितनी वैल्यू आ जाएगी ये जीरो पॉइंट सिक्स ठीक है uh, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी अंडर रूट जीरो पॉइंट सिक्स मतलब ये जो पूरा फंक्शन है इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी ज़ीरो पॉइंट सिक्स अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन था अंडर रूट जीरो पॉइंट सिक्स और ये पूरे फंक्शन की वैल्यू अभी हमने निकाली है अंडर रूट जीरो पॉइंट सिक्स दोनों मल्टीप्लीकेशन में है दैट मीन्स ये अंडर रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा जीरो पॉइंट सिक्स और यही इसका आंसर हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक वर्ग ए का विकर्ण जो है वो कितना है ए प्लस टू है उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का दुगना हो मतलब यहाँ पर आपको एक वर्ग दिया हुआ है यानी कि स्क्वायर दिया हुआ है इसका जो डायग्नल है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है ए प्लस टू जब डायग्नल आपको पता है तो आप इसकी भुझा निकाल सकते हैं यानी कि साइड निकाल सकते हैं ठीक है तो उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल जो ये ए है ठीक है ये जो वर्ग है इसके क्षेत्रफल का दुगना हो तो यहाँ पर सबसे पहले आपको साइड निकालनी है साइड निकाल के एरिया निकाल लीजिए उस एरिया का टू टाइम्स कर दीजिए ठीक है और ये किसके बराबर हो जाएगा उस वाले वर्ग के बराबर हो जाएगा जो इन दूसरा वर्ग की बात कर रहे हैं ठीक है तो ये दूसरे वर्ग के बराबर आ गया ठीक है तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा विकर्ण यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं सो कोशिश करिएगा इसको निकालने की और जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा अंडर रूट टू ए प्लस बी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर बात हो रही है यदि दो वर्गों के विकर्ण टू इस टू फाइव के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है मतलब दो स्क्वायर है ए वन और ए टू इनका जो डायगनल है डी वन डी टू ठीक है वो किस रेशियो में है टू एज़ टू फाइव के रेशियो में तो अभी हमने जैसे बात करी थी कि अगर आपको विकर्ण पता है यानी कि डायगनल पता है तो आप साइड निकाल सकते हैं अब यही काम आपको यहाँ पर करना है अगर आपको साइड पता चल जाएगा तो साइड आपको ऑलरेडी पता है कि आ, साइड का स्क्वायर कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा आ, एरिया मिल जाएगा या फिर अगर हम डायग्नल की बात करें तो डायग्नल से भी आप सीधे सीधे जनरेट कर सकते हैं एरिया तो डायग्नल का यहाँ पर फॉर्मूला लगाइएगा आंसर निकालिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका फोर और इस टू ट्वेंटी फाइव ये इसका आंसर आएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर दो संख्याओं का एच सी एफ और गुणनफल क्रमशः पंद्रह और तिरसठ सौ है संख्याओं के संभावित युग्मों की संख्या क्या होगी ये आपको यहाँ पर बताना है अब इस वाले क्वेश्चन की हम बात करें थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है तो यहाँ पर अगर आप मान लेते हैं कि जो नंबर है एक एक्स है और दूसरा वाई है ठीक है अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दोनों का एच सी एफ कितना है पंद्रह है दैट मीन्स कि इसमें भी पंद्रह एक फैक्टर होगा और इसमें भी पंद्रह एक फैक्टर होगा मान लीजिए बाकी पंद्रह के अलावा जो कुछ बचा वो ए है इसमें और इसमें क्या है बी है तो ये दो नंबर आपको पता चल गए अब इन दो नंबर्स का आप सिंपली अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा पंद्रह ए इंटू पंद्रह और ये जो है आपका दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन वो आपको ऑलरेडी गिवन है वो कितना है आपका सिक्सटी थ्री हंड्रेड तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी जब ए और बी की वैल्यू आपको पता चल गई ठीक है कर लेते हैं इसको सॉल्व तो कितना आएगा यहाँ पर ये यह? ये आएगा आपका ट्वेंटी एट ठीक है मतलब ए और बी जो यहाँ पर ए है और यहाँ पर ये यह बी है इनका मल्टीप्लीकेशन कितना है ट्वेंटी अब हिट एंड ट्रायल मतलब ए और बी की वैल्यू अपने हिसाब से रखें यहाँ पर 28 लाने की कोशिश अगर हम करें तो एक वैल्यू क्या आएगी वन यहाँ पर रख लें यहाँ पर 28 रख लें तब ये 28 वैल्यू मिलेगी यहाँ पर हम फोर रखें यहाँ पर सेवन रखें तब ये वैल्यू हमें 28 मिलेगी ठीक है इस तरीके से हम यहाँ पर इसको हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हैं सो so यहाँ पर अगर आपको देखेंगे तो यहां पर आपको दो युग्म मिलेंगे ठीक है को प्राइम का भी इसके अंदर एक कंसेप्ट लगेगा तो उसको भी ध्यान रखिएगा तो इस तरीके से यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा दो ठीक है जो युग्म होंगे वो कितने होंगे दो होंगे इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का ट्वेंटी परसेंट अपने बड़े बेटे को शेष का थर्टी परसेंट छोटे बेटे को और शेष का टेन परसेंट एक ट्रस्ट में दान कर दिया उसके पास दस हज़ार अस्सी बचे तो आपको बताना है कि उसकी आय क्या थी ठीक है ये यहां पर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन इजी है इसमें कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर हंड्रेड किसी की अर्निंग थी उसकी इनकम थी अब सबसे पहले क्या हुआ कि उसने ट्वेंटी दे दिया अपने बेटे को ठीक है दैट मीन्स कि यहां पर अब ये कितना रिमेनिंग बचा 80% परसेंट बचा उस 80 परसेंट का 30 परसेंट इसने दे दिया अपने छोटे बेटे को ठीक है अब यहाँ पर यह दे दिया किसको छोटे बेटे को इस 80 परसेंट का तो अब जो ये रिमेनिंग बचेगा ये कितना बचेगा आपका 56 परसेंट अब ये जो 56 परसेंट है बस इसमें से क्या कह रहा है कि 56 परसेंट जो बचा हुआ है उसका 10 परसेंट इसका इसने 10 परसेंट कर दिया दान ठीक है मतलब 5.6 जो है वो इसने दान कर दिया अब ये 5.6 इसमें से और लेस कर दीजिए तो फाइनली जो बचेगा आपका 50.4 परसेंट ये जो है ये रिमेनिंग बचा अब ये जो 50.4 पॉइंट परसेंटेज टोटल अर्निंग अगर एक्स थी तो ये किसके बराबर होगा ये होगा आपका दस हज़ार अस्सी के ठीक है थीके? तो यहां से आप सिंपली एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए तो एक्स की वैल्यू जो आएगी आपकी वही यहां पर आंसर हो जाएगा एंड देट विल बी ट्वेंटी ठीक है ये यहां पर इसका आंसर आएगा तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं इसके पास जो है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि राधा अपने वेतन का 40 परसेंट भोजन पर 20 परसेंट घर के किराए पर 10 परसेंट मनोरंजन पर 10 परसेंट वाहन पर खर्च करती है यदि एक महीने के अंत में उसकी बचत पंद्रह सौ रुपये है तो उसके वेतन उसका वेतन जो है प्रति माह कितना होगा देखिए अभी लास्ट जो क्वेश्चन था ऑलमोस्ट उसी के जैसा ये क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करिएगा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा आपका सेवेंटी यानी कि पचहत्तर इसका आंसर आएगा तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कोलकाता से एक जगह का बस का किराया बीस रुपए है और ट्रेन का किराया कितना है तीस रुपए है यानी कि बस का किराया और ट्रेन का किराया ये कितना है बीस रुपए और ये कितना है तीस रुपए इसके बाद कह रहा है कि ट्रेन के किराए में बीस परसेंट यानी कि इसका बीस परसेंट जब आप निकालेंगे तो बीस परसेंट कितना आएगा इसका वो आ जाएगा छह रुपए दैट मीन्स नया जो किराया हो गया वो कितना हो गया छत्तीस हो गया ऐसे ही अगर हम बस के किराए की बात करें तो बस के किराए में कितना कह रहा है टेन परसेंट का इंक्रीमेंट तो बीस का जब आप टेन परसेंट निकालेंगे दट विल बी कितना हो जाएगा ये टू हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर आपको दोनों नए किराए मिल गए कितना हो गया ये बाईस छत्तीस और बाईस तो यहाँ पर कह रहा है कि नए ट्रेन का किराया यानी कि छत्तीस इसका नए बस के किराए से आपको अनुपात बताना है दैट मीन्स बाईस तो रेशियो कितना है अट्ठारह बटा ग्यारह यानी कि सेकेंड वन विल बी द करेक्ट आंसर इसके बाद मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का पंद्रह प्रतिशत है मतलब दो नंबर्स हैं और दो संख्याओं का अंतर यानी कि दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो उनके योग का पंद्रह परसेंट है तो एक तरफ सम लिख लीजिए एक तरफ डिफरेंस लिख लीजिए जो अंतर है जो डिफरेंस है वो उनके योग का पंद्रह परसेंट है मतलब योग का अगर हम पंद्रह परसेंट कर दें तो देट विल बी इक्वल टू डिफरेंस ठीक है तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात यहाँ पर आपको बताना है सो so, अगर यहां पर आप नंबर मान लें एक नंबर एन वन है दूसरा नंबर एन टू है ठीक है ये दो नंबर्स हैं तो सम कितना हो जाएगा आपका एन वन प्लस एन टू और डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका एन वन डिफरेंस एन टू ठीक है तो अब बस इसको आप यहाँ पर रखिए और इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आप एन वन और एन टू का रेशियो निकाल पाएंगे एंड देट विल कम आउट ट्वेंटी थ्री अपॉन इलेवन ठीक है तेईस और ग्यारह यहाँ पर रेशो आ जाएगा इसके बाद आगे चलें अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक रेफ्रिजरेटर और एक टेलीविज़न सेट है जिनकी कीमतों का अनुपात कितना है पाँच और तीन है मतलब सी पी ऑफ रेफ्रिजरेटर और सी पी ऑफ टेलीविज़न ये कितना है फाइव एस टू थ्री तो यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न सेट से पचपन सौ रुपये अधिक है तो टेलीविज़न की कीमत यहाँ पर आपको निकालनी है तो देखिए अब इसको आप निकाल के देखिएगा और वैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ तो अगर ये ऊपर वाला आप फाइव एक्स मान लें और नीचे वाला आप थ्री एक्स मान लें तो इनका जो डिफरेंस है टू एक्स ये हो जाएगा आपका पचपन सौ के बराबर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए उसके इसको सॉल्व कर लीजिए तो आप टेलीविज़न की कीमत जो है उसको फाइंड आउट कर पाएंगे और वो जो आएगी वो कितनी आएगी आपकी बयासी पचास यानी कि सेकेंड वन ये इसका आंसर आएगा ट्राई करके देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर बोला गया है नीता चाय की दो किस्मों को पाँच और तीन के अनुपात में मिलाती है एक की कीमत एक सौ रुपए प्रति किलोग्राम दूसरे की कीमत दो सौ प्रति किलोग्राम है यदि वह आ, मिश्रित किस्म को दो सौ प्रति किलोग्राम की दर से बेचती है तो उसको लाभ कितने का हुआ तो पहले यहाँ पर T1 और T2 का जो रेशो है वो कितना है पाँच और तीन का है दैट मीन्स T1 कितना हो जाएगा आपका 5x और टी टू कितना हो जाएगा आपका थ्री एक्स ठीक है अब यहाँ पर एक सौ अस्सी के हिसाब से बेच रही थी पाँच से मल्टीप्लाई कर लीजिए सी पी इसका आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऐसे ही काम आप टी टू के साथ में करिए यहाँ पर भी सी पी मिल जाएगा इन दोनों को फाइनली फिर आपको क्या करना है एडअप कर देना है दोनों का जो आपने कॉस्ट प्राइस निकाला है इन दोनों को एडअप कर लीजिएगा और जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस कितना है 210 से आप किसकी मल्टीप्लाई करेंगे पाँच किलोग्राम इसके तीन किलोग्राम इसके तो आठ से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको सी पता चल गया एस पता चल गया दोनों का डिफरेंस जो आपने निकाल लिया देट विल बी द प्रॉफिट ठीक है तो प्रॉफिट आपको पता चल गया बस प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस आपके पास ऑलरेडी है प्रॉफिट आपने निकाल ही लिया तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका बारह परसेंट यानी कि थर्ड वन जो होगा वो इसका आंसर यहां पर आएगा इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को पाँच प्रतिशत के लाभ पर बेचा अगर उसने इसे दो, दो सौ ज़्यादा में बेचा होता तब उसे आठ का लाभ होता अब देखिए यहाँ पर पहले वो पाँच के लाभ पर बेच रहा है बाद में आठ के लाभ पर यानी कि अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लें ले, यानी कि तीन परसेंट तो ये किसके बराबर होगा आपका 240 के बराबर होगा हो और इसको यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी ये आ जाएगी 8000 ठीक है यानी कि लास्ट वन जो होगा वो इसका यहाँ पर आंसर आएगा अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको आपको रिजोल्व कर पाऊँ इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक रेडियो 20% परसेंट के लाभ पर बेचा जाता है यदि इसे साठ रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 30% परसेंट का लाभ होता पहले वाला जो क्वेश्चन था सिमिलर उसमें है यानी कि अगर दोनों प्रॉफिट्स का हम डिफरेंस देखें टेन परसेंट तो टेन परसेंट किसका जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर होगा साठ के बराबर होगा दैट मीन्स यहाँ से आप सिंपली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एंड दैट विल कम आउट यह आ जाएगा आपका कितना सिक्स हंड्रेड ठीक है छ सौ आ जाएगा तो यही इसका आंसर होगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर दिया हुआ है कि एक संख्या को जब दो सौ छियानवे से विभाजित किया जाता है तब शेषफल सेवेंटी फाइव जो है वो यहां पर प्राप्त होता है जब उसी संख्या को थर्टी सेवन से डिवाइड किया जाता है तब क्षेत्रफल क्या होगा ठीक है तो इसको यहाँ पर आप सॉल्व करके देखिएगा क्वेश्चन बहुत ईजी है लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल हो सकती है बट क्वेश्चन बहुत ईजी है सॉल्व करके देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा वन ठीक है वन एज रिमाइंडर ये इसका आंसर आएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक संख्या को क्रमानुसार चार और पाँच से विभाजित करने पर क्रमशः एक और चार क्षेत्रफल मिलता है जब उसे क्रमिक रूप से पाँच और चार से विभाजित किया जाता है तब संबंधित क्षेत्रफल वो सॉरी शेषफल जो है यानी कि रिमाइंडर जो है वो क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है ठीक है तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक संख्या है उसको चार और पाँच से विभाजित करने पर जो आ, मिलता है आपका रिमाइंडर वो कितना है वन और फोर है अब इसे क्रमिक रूप से यानी कि सक्सेसिवली अगर इसको हम पाँच और चार से डिवाइड करते हैं तब उस शेषफल प्राप्त होगा वो क्या होगा सो so, अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको ये पता भी होगा कि डिवाइज़र ठीक है ये थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए ये कोई नंबर है एक्स यहाँ क्या जाएगा आपका क्वेश्चन आ जाएगा और नीचे क्या जाएगा? रिमेंडर आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा ठीक है इस तरीके से रहेगा तो इसका अगर हम एक टेबल की फॉर्म में बनाएं इस तरीके से तो यहाँ पर क्या आएगा आपका डिवाइज़र ठीक यहाँ पर वो नंबर और यहाँ पर क्या आएगा रिमाइंडर ठीक है तो अगर सबसे पहले फोर था रिमाइंडर आ रहा है वन दैट मीन्स यहाँ पर वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए या तो पाँच होनी चाहिए ठीक है या फिर नौ होनी चाहिए या फिर कितनी होगी आपकी थर्टीन होगी या फिर कितनी होगी 17 होगी तो ये सब हमें कब पता चलेगा उसको भी एक सेकेंड के लिए रुकते हैं तो अगर आप पाँच यहाँ पर देखें ठीक है पाँच से फिर उसको सक्सेसिवली डिवाइड किया जा रहा है तब रिमाइंडर कितना आ रहा है चार जब रिमाइंडर चार आएगा पाँच से डिवाइड करने के बाद दैट मीन्स यहाँ पर क्या वैल्यू होनी चाहिए अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी या तो ये यह वैल्यू यहाँ पर नौ हो ठीक है तब जब हम पा, नौ पाँच सॉरी नौ को पाँच से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर कितना आएगा चार आएगा ठीक है इसके बाद चार से जब हम आ, किसको करें मतलब मतलब इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो नौ चौक छत्तीस और एक सैंतीस तो नंबर कितना होगा थर्टी सेवन ठीक है तो इस तरीके से ये वाली चीज़ यहाँ पर फुलफिल हो रही है कि जब पाँच को हमने सॉरी पाँच से हमने नौ को डिवाइड करा तब रिमाइंडर कितना आया चार आया जब हमने थर्टी सेवन को चार से डिवाइड करा तब रिमाइंडर कितना आया वन आया तो पहली चीज़ हमारी ये जो कंडीशन है ये हमारी यहाँ पर फुलफिल हो गई अब यहाँ पर आगे क्या कह रहा है कि जब इसे क्रमिक रूप से पाँच और चार से विभाजित किया जाता है मतलब नंबर हमें मिल गया कितना थर्टी सेवन अब जो थर्टी सेवन नंबर है इस थर्टी सेवन नंबर को जब हम पाँच से डिवाइड करते हैं ठीक है तो पाँच कितनी बार जाएगा आपका सेवन टाइम्स जाएगा रिमाइंडर कितना बचेगा टू बचेगा इसके बाद फिर हमें चार से इसको डिवाइड करना है चार से डिवाइड करिए तब जब सात को आप चार से डिवाइड करेंगे वन टाइम जाएगा ठीक है रिमाइंडर कितना बचेगा तीन बचेगा तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारे रिमाइंडर्स बचेंगे वो कितना बचेंगे टू और थ्री ये इसका यहाँ पर सही आंसर होगा आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा तो आंसर कितना आ जाएगा टू एंड थ्री इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर बोला गया है कि छत्तीस गुणांकों की संख्या द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ थर्टी सिक्स हंड्रेड ठीक है थर्टी सिक्स हंड्रेड के जो क्या होंगे आपके गुण फैक्टर्स होंगे वो फैक्टर्स आपको बताने हैं तो छत्तीस सौ के फैक्टर निकालने के लिए डिवाइड करना इस करिए टू से मतलब जो सबसे छोटा नंबर है ठीक है टू टू से डिवाइड करिए फिर थ्री से करिए तो इसके बाद जब फाइनली ये डिवाइड करके आएगा तब ये यहाँ पर आ जाएगा आपका टू की पावर फोर थ्री का स्क्वायर और फाइव का स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पर जो हमारा फैक्टर्स होता है फैक्टर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे जो इनकी पावर से इनके साथ वन का एडिशन करिए ठीक है थीके? टू प्लस वन करिए और यहाँ पर टू प्लस वन करिए अब ये जो निकल के आएगा हमारा वो कितना आएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका पांच गुणा तीन गुणा तीन दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा पंद्रह या पैतालीस ठीक है फोर्टी फाइव जो होगा वो यहां पर इसका सही आंसर आएगा इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन की बात करें यहां पर बोला गया है कि जब सात को एक धनात्मक पूर्णांक एक्स से भाग दिया जाता है तब शेषफल कितना आता है बारह तो x के कितने मान होंगे ये आपको यहाँ पर निकालना है तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहली चीज क्या है कि 732 सौ यहाँ पर दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि x से इसको डिवाइड कर रहे हैं तब रिमाइंडर कितना आ रहा है बारह आ रहा है ठीक है तो ये जो रिमाइंडर है इसको इसमें से घटा दीजिए तब कितना आ जाएगा आपका सात सौ बत्तीस माइनस बारह ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी सात सौ बीस ठीक है अब ये सात सौ बीस के फैक्टर्स जैसे अभी हमने निकाले थे लास्ट क्वेश्चन में तो वैसे ही इसमें भी निकालने हैं सात सौ बीस को आप डिवाइड करना शुरू करिए टू से और फिर थ्री से तो इस तरीके से फाइनली जो इसके फैक्टर्स निकल के आएंगे वो कितने आएंगे आपके थर्टी ठीक है थर्टी फैक्टर निकल के आएंगे और जो रिमाइंडर है हमारा बारह बारह से छोटे जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं ठीक है जिनसे ये 720 डिवाइड हो रहा है वो अगर हम देखेंगे तो वो वैल्यू कितनी आएंगी 10 तो इन दोनों को आप जब लेस कर देंगे 30 में से 10 तो यहाँ पर निकल के कितना आ जाएगा 20 तो 20 ही यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि x के जो मान होंगे वो कितने होंगे 20 ये यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा इसके बाद मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर दिया हुआ है कि द मार्क्स ऑफ इलेवन स्टूडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर फॉर अ टेस्ट आर गिवेन बिलो विद मीडियन एस थर्टी सिक्स द वैल्यू ऑफ के ये जो वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हैं के ये आपको निकालना है इसकी वैल्यू क्या होगी ठीक है के का मान निकालना है मीडियन आपको कितना दे रखा है 36 दे रखा है तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी इन्होंने गिवन करके रखा हुआ है तो इसमें आपको कुछ करना भी नहीं है तो, नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन नंबर ऑफ टर्म्स कैसी हैं ऑड हैं क्योंकि कितनी है वैल्यू ग्यारह है इवन होती तो ये कितनी होती दस होती अब इस केस में जब वैल्यू कैसी आएगी ऑर्ड आएगी तब आप मीडियन जो होगा मीडियन ये कितना हो जाएगा आपका एन प्लस वन अपॉन टू की पावर कितना हो जाएगा एथ टर्म ठीक है पावर नहीं एथ टर्म तो यहाँ पर ये कितनी आ जाएगी ग्यारह प्लस एक बटा दो यानी कि कितना हो जाएगा आपका ये छः ठीक है बारह हो गया ना डिवाइड करा किसने दो से दो से तो कितना आ गया छः तो छठी टर्म्स क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छठी टर्म कितनी है आपकी के प्लस थ्री तो जो के प्लस थ्री है ये किसके बराबर है मीडियन के बराबर है और मीडियन कितना दे रखा है इन्होंने थर्टी सिक्स दिया हुआ है ठीक है तो यहां से जो के की वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ जाएगी आपकी थर्टी थ्री यही हमारा यहाँ पर क्या होगा आंसर होगा इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है कि दिए गए आंकड़ों के, के मध्य और सॉरी माध्य और जो माध्यिका है उसमें अंतर आपको बताना है तो मीडियन की बात अभी हमने देखा था यहाँ पर मीन और मीडियन में डिफरेंस बताना है अब यहाँ पर सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए टर्म्स देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इवन है ठीक है तो इसको सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू तीन इसके बाद चार इसके बाद पाँच इसके बाद छः फिर सात फिर आ जाएगा आपका दस फिर आ जाएगा आपका थर्टीन फिर आ जाएगा सिक्सटीन ठीक है तीन तीन छः और दो आठ अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी मीडियन की वो वैल्यू कितनी आएगी आपकी छः और सात इन दोनों को जोड़िए और डिवाइड डिवाइड कर दिए कितना टू ठीक है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी सात और छः कितना हो जाएगा आपका थर्टीन डिवाइडेड बाई टू यानी कि साढ़े छः तो ये तो आ गई आपकी मीडियन ठीक है अब आपको मीडियन पता चल गया अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर मीन निकालना है मीन वैल्यू क्या होगी इन सबको आपको सिंपली एडिशन करना है इन सारी वैल्यूज को और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स तो इन सब का जब एडिशन हम निकालेंगे तो दैट विल कम आउट कितना आएगा ये सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एट क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एट तो ये कितना आ जाएगा आठ अब इसके बाद दोनों का डिफरेंस ले लीजिए तो एट माइनस सिक्स पॉइंट फाइव दैट मीन्स वन पॉइंट फाइव विल बी द आंसर ठीक है ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गेवेन है ये है टू इन टू थ्री अपॉइंट टू ऑफ़ ये पूरा यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को ईजली सॉल्व कर पाएंगे तो इसका आंसर निकालने की कोशिश करिएगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर ना कर पाए तो वैल्यू कितनी आएगी टू आएगी इसके बाद ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जिसमें आपको इस पूरी टर्म की वैल्यू निकालनी है बॉर्ड मास का रूल लगाइएगा और फाइनली जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा माइनस सेवन इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर बात हो रही है कि, कि किसी संख्या का तीन गुना उसकी एक तिहाई से कितना है ट्वेंटी फोर अधिक है तो आपको संख्या बतानी है ठीक है तो यहां पर अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो मान लीजिए कोई संख्या अगर x है तो थ्री एक्स बराबर कितना हो जाएगा x अपॉन थ्री प्लस ट्वेंटी फोर अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी नाइन ठीक है तो नाइन जो होगा वो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा तीन सौ और सात सौ के बीच कितनी संख्याएं पाँच छः और आठ से विभाज्य हैं ये यह आपको यहाँ पर बताना है तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर दे रखा है पाँच छः और आठ ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से इसको कर लीजिए टू फाइव थ्री फोर और यही यहाँ पर आ जाएगा फाइव एक बार और जाएगा ये तो फाइव थ्री टू ठीक है ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू थ्री इंटू टू तो ये कंप्लीट वैल्यू कितनी आएगी वन ट्वेंटी यानी कि एक सौ बीस अब आपको नंबर जो देखना है वो किस किसके बीच में देखना है तीन सौ से सात सौ के बीच में ठीक है इसके बीच में आपको ये नंबर देखना है तो ये जो एक सौ बीस है इसको आपको इस तरीके से इसमें इस नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है कि जो वैल्यू आए वो 300 और 700 के बीच में आए ठीक है तो एक वैल्यू कितनी होगी जब थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 360 होगी एक वैल्यू जब चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 होगी ठीक है 120 को एक वैल्यू जब आप पाँच से मल्टीप्लाई करेंगे तो बारह पंजे साठ छः सौ हो जाएगी जैसे ही आप सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू एक्सीड कर जाएगी और सात सौ बीस हो जाएगी तो इस तरीके से यहाँ पर देखें तो एक वैल्यू आएगी आपकी तीन सौ साठ एक आएगी चार सौ अस्सी और एक आएगी छः सौ तो तीन जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर आएगा कि यहाँ पर तीन सौ और सात सौ के बीच कितनी संख्याएँ पाँच छः और आठ से विभाज्य हैं तो पाँच छः और आठ से विभाज्य तीन संख्याएँ होंगी तीन सौ साठ चार सौ अस्सी और छः सौ ठीक है इसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो मैथ का है उसमें बात करी गई है कि वह सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है जो पाँच आठ और पंद्रह का एक गुणज हो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा अभी हमने इसको सॉल्व करा हुआ है ऑलमोस्ट तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा वन ट्वेंटी तो इस तरीके से ये हमारे मैथ के ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन थे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और कितने क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व कर पाए इसके बाद अपने नेक्स्ट सेक्शन जो कि हमारा ग्रामीण समाज का है उस पर मूव ऑन करते हैं अगले सेक्शन पे मूव ऑन करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि इन नंबर्स पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं लेखपाल का 19 जून को ये एग्जाम प्रस्तावित है ज्ञान सर को भी आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं यूट्यूब पर सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञानसर यानी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम को है जिसको लीड कर रहे हैं ज्ञान सर ठीक है सो अगर आपने अभी तक ये कोर्स परचेज नहीं करा है तो इसको जरूर करिए मात्र दो लाख सैंतालीस हज़ार के आसपास छात्रों को यहाँ पर मौक़ा मिला है और जिनको मौका मिला है बहुत खुशकिस्मत है आपको ये मौका दिया गया है कि साढ़े ग्यारह लाख बच्चे बाहर कर दिए गए हैं तो इसमें आप कोई कसर मत छोड़िए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप तुरंत ये कोर्स परचेज करें और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ना ये टेलीग्राम चैनल के लिंक हैं जिस पर जाकर आप लेखपाल के लिए फ्री क्विज लगा सकते हैं और यू पी के लिए भी फ्री क्विज लगा सकते हैं एटलीस्ट इनको तो आप तुरंत ज्वाइन करिए इसको तो किसी हालत में मत छोड़िए समझ रहे हैं और अगर आप कर सकते हैं तो कोर्स तुरंत परचेज करिए इन नंबर्स पर तुरंत कॉल करिए ज्ञान सर का पूरा प्रयास ये रहा है कि इस लेखपाल की परीक्षा में जो बहुत सालों बाद निकली है इसमें आप लोगों का सिलेक्शन सुनिश्चित करवाया जा सके और इसीलिए पूरी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम प्रयासरत है तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जरूर ये काम करें अगर आपको ये वाला टेस्ट सीरीज पसंद आया है प्रीवियस टेस्ट अगर आपने नहीं देखे तो हर एक टेस्ट को लगाइए और देखिए उसमें ठीक है बाकी इस वाले चैनल को जो ये टेलीग्राम के चैनल है इनको तो कम से कम ज्वाइन जरूर करिए क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है इसके बाद अब अपना जो सेक्शन है ग्रामीण समाज वाला तो इस पे चलते हैं यहां पर पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के अनुभाग दो के द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है अब ये वृक्षारोपण कार्यक्रम है ग्राम पंचायत में निहित भूमि से संबंधित कार्य हैं ग्राम सभा द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाना या फिर भू अभिलेखों से संबंधित कार्य तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर कार्य नहीं किया जाता है सो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा भू अभिलेखों से संबंधित कार्य जो है वो अनुभाग दो के द्वारा नहीं किए जाते हैं जबकि वृक्षारोपण कार्यक्रम की बात करें ग्राम पंचायत में निहित भूमि से संबंधित कार्य की बात करें या फिर ग्राम सभा द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाना तो ये तीनों ही काम करे जाते हैं ठीक है तो ये इसका यहां पर सही आंसर होगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर बात करी गई है निम्न में से कौन खसरा और खतौनी का निरीक्षक यानी कि भू निरीक्षक होता है अब ये तहसीलदार है जिलाधिकारी है लेखपाल है या फिर राजस्व निरीक्षक कानून है तो इस क्वेश्चन के हम सही आंसर की बात करें तो वो होगा आपका फोर्थ वन यानी कि राजस्व निरीक्षक ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला क्वेश्चन यहां पर दे रखा है उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है तो बहुत इजी है ये खतौनी के नाम से इसको जाना जाता है जरूर इसको आप याद रखिएगा इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो so, इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर सिंपली बोला गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की कि किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम राजस्व समिति इसका प्रावधान है तो ये यह यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत ये कार्य जो है मतलब ये जो प्रावधान है वो किया गया है तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा 225 गा यानी कि धारा 225 गा थर्ड वन ये इसका सही यहाँ पर आंसर रहेगा इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर बात करी गई है यदि एक ग्राम पंचायत में कई गांव हैं तो किस प्रकार से ग्राम सभा का आयोजन होता है ताकि प्रत्येक ग्राम को सम्मिलित किया जा सके सभी ग्रामों को सामूहिक रूप से बुलाकर बारी बारी से प्रत्येक गांव में ग्राम सभा का आयोजन होता है या फिर जिस गांव की जनसंख्या सर्वाधिक हो वहां ग्राम सभा का आयोजन होता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं तो सही आंसर यहां पर क्या होगा सेकंड वन यानी कि बारी बारी से प्रत्येक गांव में ग्राम सभा का आयोजन होता है इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधित कि किस धारा में संशोधन के उपरांत तहसील स्तर पर समेकित गांव गाँव निधि की स्थापना राज्य सरकार कर सकती है ये आपको यहाँ पर बताना है सो so, इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका धारा तिरसठ ठीक है धारा तिरसठ में ये चीज़ गिवन है जो कि आपका उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधित की धारा है तो उसमें संशोधन के उपरांत तहसील स्तर पर समेकित गांव निधि की स्थापना जो है वो राज्य सरकार कर सकती है ये किसके अकॉर्डिंग है धारा सिक्सटी के अकॉर्डिंग इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें यहां पर बात करी गई है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी क्षेत्र पंचायतें हैं ये 800 सौ है आठ है आठ या फिर आठ आंसर क्या है आपका आठ सौ इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दे रखा है कि संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम उन्नीस सौ की किस धारा के अंतर्गत भूमि प्रबंधक समिति पर ग्राम पंचायत के लिए तथा उसकी ओर से समस्त संपत्ति के सामान्य प्रबंधन परीक्षण एवं नियंत्रण का भार होता है तो यहां पर यह आपको धारा बतानी है धारा 28 का है धारा 28 खा है धारा 28 गा है या फिर धारा 28 घा है कौन सी धारा है ये सो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका धारा 28 का ठीक है पहला वाला जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें सो so, यहाँ पर बात करी गई है ऑपरेशन कायाकल्प के तहत निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है पहला ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले भवनों की मरम्मत और उस पर होने वाले व्यय की धनराशि का निर्धारण होता है दूसरा चिन्हित किए गए कार्यों को ग्राम पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित करना और ग्राम सभा की खुली बैठक में नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त करना तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ठीक है याद रखिएगा एज इट इज़ इन दोनों स्टेटमेंट्स को इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर बात हो रही है समेकित गांव निधि का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जा सकता है पहला सामान्य उपयोगिता की भूमि के विकास पर होने वाले व्यय के भुगतान के लिए दूसरा धारा बहत्तर के अधीन नियुक्त अधिवक्ताओं की फीस और उनके भत्ते यदि कोई हो के भुगतान के लिए इसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा या उसके विरुद्ध वादों पर होने वाले व्यय का भुगतान इसको करने के लिए या फिर उपरोक्त तो सभी तो इसका आंसर क्या आएगा उपरोक्त तो सभी यानी कि ऊपर के तीन जो हैं इन तीनों के लिए समेकित गांव निधि का उपयोग या फिर प्रयोग किया जाता है इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर बात हो रही है ग्रामों की सूची से संबंधित रजिस्टर जिसे कलेक्टर तैयार कराता है उससे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पहला इसमें उसके ज़िले के समस्त ग्राम ग्रामों की सूची होगी दूसरा इसमें ऐसे क्षेत्रों को दिखाया जाएगा जो नदी के बहाव से प्रभावित हों तीसरा इसमें ऐसे क्षेत्रों को दिखाया जाएगा जिस जिसमें अनिश्चित खेती हो या फिर चौथा रजिस्टर का प्रत्येक वर्ष या ऐसे दीर्घतर दिर, अंतराल पर जिसे विहित किया जाए पुनरीक्षण किया जाएगा तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है सो so, यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा फोर्थ वन ये यहाँ पर सही नहीं है बाकी ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ठीक है तो इनको एज इट इज याद रखिएगा बाकी फोर्थ वन का कमेंट सेक्शन में आप लोगों से मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप लोग बताएं ठीक है कि यहाँ पर जो रजिस्टर का प्रत्येक वर्ष है तो प्रत्येक वर्ष है या फिर ये तीन वर्ष है या पांच वर्ष है क्या यहाँ पर है ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर बात हो रही है अधिकार अभिलेख खतौनी में निम्न में से किसका विवरण होता है समस्त खातेदारों के नाम गाटा संख्या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसको दे राजस्व या लगान यदि कोई हो या फिर उपर्युक्त सभी तो आंसर क्या आएगा इसका उपर्युक्त सभी यानी कि फोर्थ वन जो होगा वो इसका सही आंसर होगा इसके बाद अगला क्वेश्चन है यदि उत्तराधिकार के ऐसे मामलों में जिसमें कोई विवाद ना हो उसको खतौनी में अभिलिखित कौन करता है ठीक मतलब no है मतलब इफ इन 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 केस ऑफ सक्सेशन देयर इज नो डिस्प्यूट हु रिकॉर्ड्स इट खतौनी अब ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर है है तहसीलदार ग्राम प्रधान है या फिर ये कलेक्टर है तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका राजस्व निरीक्षक यानी कि पहला वाला जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नक्शा खसरा या खतौनी में किसी गलती और लोप से संबंधित आदेशों में के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा ये तहसीलदार होगा जिलाधिकारी होगा आयुक्त होगा या फिर ये उप जिला अधिकारी होगा तो ऑब्वियस सी बात है कमिश्नर का जो आदेश है वो अंतिम होगा यानी कि आयुक्त यहाँ पर सही आंसर आएगा इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है इसमें बात करी गई है आपसे कि उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति में किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति को निर्यात को 25-24 मिलियन जो वर्तमान में सत्रह पाँच सौ इक्यानवे करोड़ रुपए तक का करने का प्रावधान है सो so यहाँ पे जो ये लक्ष्य रखा गया है ये है आपका 2024 का और यहाँ पर ये जो आप 25-24 मिलियन यूएस डॉलर है ठीक है जो अभी वर्तमान में सत्रह हज़ार पाँच सौ इक्यानवे करोड़ रुपए है इसको लगभग दुगना करने का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है लक्ष्य रखा गया है तो ये 2024 इसका टारगेट है इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है इसमें बात करी गई कि निम्न में से कौन सा विकास का एक उद्देश्य है यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट अब ये अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नीड्स है यानी कि मूल आवश्यकताओं की उपलब्धता या फिर रेजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग लिविंग ह्यूमन एंड कल्चरल वैल्यूज़ यानी कि रहना सहना uh, मानव और सांस्कृतिक मूल्यों का स्तर उठाना या फिर असमानता की समाप्ति यानी कि जो इनिक्वेलिटी uh, है उसको यहाँ पर ख़त्म करना या फिर ये सभी तो सही आंसर क्या आएगा ये सभी विकास का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है उसमें ये सारी ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वर्ष उन्नीस सौ के बीच देश में खाद्यान्नों की बेहद कमी हुई थी जिस वजह से विदेशों से इसकी आपूर्ति की गई इसका मुख्य कारण क्या था अब ये घटती कृषि भूमि कृषि योग्य भूमि थी या फिर खेतों या फिर खेती के लिए किसानों का हमेशा मौसम पर निर्भर रहना या फिर सरकार का कृषि क्षेत्र के लिए ध्यान न देना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं तो आंसर क्या था कि उस टाइम पर किसान जो थे वो मतलब बहुत ज़्यादा निर्भर थे मौसम पर इसकी वजह से ये स्थिति आई थी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ग्रामीण परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण निम्न में से कौन करता है अब ये नवार्ड है आर है एन है या फिर ये आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो सही आंसर क्या होगा आपका थर्ड वन यानी कि एन ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मीठी क्रांति इसका संबंध निम्न में से किससे है तो ऑब्वियसली बताते हैं कि किससे होगा इसका मधु मधुमक्खी पालन यानी की कि बी कीपिंग इससे रिलेटेड है स्वीट रिवोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ अब ये 1981 है 1956, 58 या फिर 65 तो उन्नीस इसमें ये पारित हुआ था खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है भारत में गरीबी हटाने संबंधी कार्यनीति में शामिल है आर्थिक समृद्धि या फिर बुनियादी न्यूनतम सेवाओं का प्रावधान या फिर प्रत्यक्ष रूप से लक्षित गरीबी हटाओ कार्यक्रम या फिर उपरोक्त सभी तो आंसर क्या आएगा इसका उपयुक्त तीनों जो हैं वो यहाँ पर सही है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्टी सेवेंथ यहाँ पर बात करी गई है संस्थान ग्राम संयोजन परियोजना इसका निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य है पहला छोटी उत्पादन व्यवस्था में उपलब्ध उत्पादकता के साथ स्थायित्व व सत्ता पर बल देते हुए तकनीकी हस्तक्षेप करना दूसरा है कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त तकनीकों को लागू करना और उन्हें समेकित करना तीसरा है उप उपयुक्त तकनीकों के अपनाने को प्रोत्साहित करना जिससे महिला किसानों के साथ भेदभाव समाप्त हो या फिर उपरोक्त सभी तो आंसर क्या आएगा इसका ऑल ऑफ द एव ये इसके उद्देश्य हैं एट नंबर का क्वेश्चन है इसमें बात करी गई है जून 2011 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के एक गांव का नाम बदलकर स्नैपडील डॉट कॉम नगर रखा गया ठीक है तो ये आपको जिला बताना तो है जिसका एक गांव था इसका नाम बदलकर स्नैपडील डॉट कॉम नगर करा गया तो सही आंसर क्या होगा आपका मुजफ्फरनगर ये यहाँ पर सही आंसर होगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा गांव उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है अब ये बांदा में है बागपत में है गाजीपुर या फिर चंदौली तो सही आंसर क्या आएगा आपका गाजीपुर इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन पर इस वीडियो के तो ये है आपका ग्रामीण समाजशास्त्र का जन्म स्थान क्या है फ्रांस यूएसए चीन या फिर भारत तो सही आंसर क्या है आपका यूएसए ठीक है तो इस तरीके से ये हमारा टेस्ट था आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए कमेंट सेक्शन में बताइएगा साथ ही प्रीवियस टेस्ट को ज़रूर लगा कर देखिएगा आपका 19 जून को पेपर है तो पूरी तैयारी करनी है आपको तो सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन यहाँ पर लगाइए किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसको ज़रूर फॉलो करिएगा ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन थैंक यू सो मच हैवे नाइस डे बाय